नमस्कार प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि देश के शीर्ष पद का दायित्व संभालने के बाद मध्य प्रदेश के हितों का पूरा संरक्षण होगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की नवाचारी जन कल्याण योजनाओं के लिए भी केंद्रीय सहयोग की अपेक्षा की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चाचोड़ा सा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस की हार पर कबीर का एक दोहा ट्विटर पर डाला है, जिसमें लिखा है, बुरा जो देखन में चला बुरा नाम मिलिया कोई। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस को अपनी कमियां ढूंढने की सलाह दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि 4 साल के अंदर भोपाल और इंदौर में मेट्रो दौड़ सकती है। मंत्री को यह भी बताया गया कि इन दोनों शहरों में मोनो रेल की अपेक्षा मेट्रो ज्यादा अनुकूल है। बैठक में सिंह ने BRTS की समीक्षा करने और सफाई के लिए इंदौर मॉडल अपनाने को कहा। नालों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे मंत्री पीसी शर्मा ने खुले नालों पर जाली लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश के दौरान कोई दुर्घटना ना हो। उन्होंने सर्वेक्षण के बाद नालों से अतिक्रमण हटाने को भी कहा है। विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही मेघा परमार ने खेल मंत्री जीतू पटवारी और मुख्य सचिव एसा मोहंती से मुलाकात की। मेघा ने अपने अनुभव सुनाए, दोनों ने उन्हें एवरेस्ट विजय की बधाई दी है। इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के तहत भारी दीवार पर योग की पेंटिंग बनाई गई थी, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव के चित्र भी बने थे। इसलिए NSUI की शिकायत के बाद प्रबंधन ने यह चित्रकारी हटवा दी है। चित्रकारी हटने के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हंगामा किया है। हजारों करोड़ों के ई टेंडर घोटाले में जांच एजेंसी EOW द्वारा गिरफ्तार किए गए माइलस्टोन कंपनी के संचालक मनीष खरे के माध्यम से टेंडर में टेंपरिंग के लिए बड़ी रकम का लेन देन होता था। बताया जा रहा है कि खरे को सौरठिया वेल्जी से 2 करोड़ रुपए मिले थे। ISBT स्थित निगम परिषद हॉल में बैठक आयोजित करने पर अभी भी विवाद बना हुआ है। इस बारे में MIC सदस्य केवल मिश्रा ने नगर निगम कमिश्नर B. विजय दत्ता से जानकारी मांगी। उन्होंने कमिश्नर से पूछा है कि निगम परिषद अध्यक्ष की आसंदी और महापौर के लिए आरक्षित स्थान पर अन्य लोगों के बैठने संबंधित क्या नियम है। भोपाल के JK रोड में अभी भी काम धीमी गति से चल रहा है। यहां 10 दिन का काम बाकी है, जो कि पिछले 1 साल से अटका हुआ है। मॉनसून आने से पहले इस रोड की मरम्मत नहीं की गई तो लगभग 2 लाख की आबादी अगले 6 माह तक परेशान होगी। इस रोड की पहचान गड्ढों के रूप में बन चुकी है। राजधानी भोपाल में 6 प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन अब वह धूल खा रहे हैं। बंजीर भवन पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ताजमहल पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा म्यूजिकल फाउंटेन सहित अन्य स्थानों के सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर करोड़ों खर्च किए हैं, लेकिन यहां कोई काम दिखता नहीं है। केरवा प्रोजेक्ट में 52 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भोपाल में 75,000 लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख की आबादी को पानी मिलना था। मॉनसून आने में अभी 1 माह का समय है, लेकिन सिपल चैनल के नीचे पानी सूख चुका है, जिसके चलते 15 दिन बाद इस चैनल को फिर गहरा करना पड़ेगा। इससे पानी सप्लाई में बाधा होगी। उधर नर्मदा पाइपलाइन का पंप खराब होने से आज भोपाल के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित होगी। सुधार कार्य के कारण गुरुवार को इसे 8 घंटे के लिए बंद रखा गया था। भोपाल नगर निगम को हर वार्ड में फीडिंग सेंटर बनाने थे, ताकि आवारा कुत्ते भूखे प्यासे ना हो, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी शहर में एक भी फीडिंग सेंटर नहीं बना है। इस कारण कुत्ते हिंसक होकर जनसंख्या पर हमला कर रहे हैं। गुरुवार को ही राहुल नगर में आवारा कुत्तों ने 5वीं कक्षा के छात्र पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। गुरुवार को खजुराहो में तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ग्वालियर और नौगांव में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 10 शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा। बढ़ते तापमान के कारण कई शहरों में लू चली। शिवपुरी के निकट करेरा में रेत के अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई कर रहे सरकारी अमले पर रेत माफिया ने हमला कर दिया, जिसके चलते चौकी प्रभारी और सिपाही घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक आरक्षक को जिला अस्पताल शिवपुरी में रेफर किया गया है। उधर अशोकनगर में बेखौफ रेत माफिया ने नायब तहसीलदार को थप्पड़ मारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।